सीरियल अलीबाबा दास्ताने काबुल में शहजादी मरियम का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर ली। शनिवार को मुंबई में टीवी सीरियल के सेट पर ही एक्ट्रेस ने मेकअप रूम में फांसी के फंदे से लटक कर जान दी। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के बाद उनकी मां ने उन्हीं के को एक्टर शिजान अहमद खान पर गंभीर आरोप लगाए। एक्टर तुनिशा की मां ने शिजान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में एक्टर शिजान को आईपीसी की धारा 306 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तुनिशा और शिजान रिलेशन में थे। बीते दिनों दोनों का ब्रेकअप हुआ, जिसके बाद तुनिशा ने हताशा और निराशा में सुसाइड जैसा कदम उठाया। तुनिशा की आत्महत्या के बाद उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रही। इस पोस्ट में उन्होंने अपने प्रेमी को जिंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान बताया था। इस पोस्ट में अपने बॉयफ्रेंड शिजान की एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए तुनिशा ने लिखा था, तुम मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत इंसान, तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हो। तुनिशा ने ये पोस्ट इंटरनेशनल मेंस डे पर लिखी। तुनिशा की इसी पोस्ट पर लव जिहाद और श्रद्धा वालकर के मामले से जोड़कर टिप्पणियां की जा रही। लोग उनकी पोस्ट पर लव जिहाद से जुड़े कमेंट कर रहे। इतना ही नहीं, लोग इस मामले को श्रद्धा वालकर और आफ्ताब के मामले से भी जोड़कर देख रहे हैं। अर्पिता वर्मा नाम की एक यूजर ने तुनिशा की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, लव जिहाद हैपेंड हियर। वहीं रवि गुप्ता ने लिखा, जब तक हिंदू लड़कियां ऐसी ही अब्दुल पर भरोसा करेंगी यही हो। वहीं जितेंद्र जायसवाल ने इस आत्महत्या केस को श्रद्धा मर्डर केस से रिलेट करते हुए लिखा, प्लीज रिमेम्बर फर्स्ट श्रद्धा की। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले की सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल से जांच कर रही है। ये सुसाइड आत्महत्या करने के लिए उसको प्रवृत्त किया करके ये गुनाह दाखिल हो रहा है। किसने सुजान उसका उसके साथ काम करने वाला लड़का है। क्या अभी क्या सर ऐसी खबर है कि ऐसा कुछ अभी तक पता नहीं चला है, अभी पुलिस कर रहे। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या के इस केस को लव जिहाद और श्रद्धा वालकर से जोड़कर देखने से मना कर रहे हैं। सुजान के साथ तुनिशा की इस पोस्ट पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि लोग इस मामले को लव जिहाद से जोड़कर ना देखें। इस बीच सुजान की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो तुनिशा के साथ भगवान गणेश की आरती करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तुनिशा और सुजान रिलेशनशिप में थे। सुजान ने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से वो परेशान थी। अब माना जा रहा है कि इस मामले में आने वाले दिनों में सुजान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि तुनिशा ने सेट पर सुजान के ही मेकअप रूम में सुसाइड किया और तुनिशा की मां ने सुजान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। और अगर ये आरोप सही साबित हो जाते हैं तो सुजान को लंबी सजा मिल सकती है।